सुबह की भागदौड़ में बिना ब्रेड की ये सैंडविच की रेसिपी आपके बच्चों के टिफिन को इतना मजेदार बना देगी कि बच्चे पूरा का पूरा फिनिश तो करेंगे ही, उन्हें मिलेगा भरपूर एनर्जी कि उन्हें कुछ और एक्स्ट्रा खाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही हेल्दी बनने के तैयार होने वाली है, एक बार बना के देखिए मजा आ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका और मैं हूँ सारिका। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस बहुत ही मजेदार सी रेसिपी की। पर क्रिस्पी और टेस्टी सी सैंडविच बनाने के लिए मैंने ये बचे हुए चावल लिए हैं लगभग 1 कप के आसपास। सारी चीज़ों का मेजरमेंट आप किसी भी एक कटोरी से कर सकते हैं और जितना मैंने चावल लिया है उसका आधा यहाँ पर सूजी लिया है। आप चाहो तो चावल और सूजी सेम सेम भी यानी बराबर बराबर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सूजी हमें बारीक बारीक लेनी है। अगर मोटी वाली सूजी है तो आप इसको मिक्सर में डालकर थोड़ा सा पीस कर बारीक कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है। जार में हम सबसे पहले डाल देंगे ये बचे हुए चावल 1 कप। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं चावल की। इतने चावल से आप लगभग 4 लोगों के लिए बहुत ही क्रिस्प से सैंडविच बनाकर रेडी कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे सूजी। तो सूजी अगर मोटी वाली है तो पहले सूजी को पीस लें, उसके बाद चावल डालें। अब यहाँ पर डालेंगे पानी। तो लगभग मैं जितना सूजी ली हूँ उसका दुगना हमें पानी का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और पानी डालने के बाद हम मिक्सी को रोक रोक कर इसे चला लेंगे ताकि एकदम स्मूथ सा पेस्ट इसका रेडी हो जाए। कोई भी नमक वगैरह ऐड नहीं किया है मैंने। और ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इनको पीस लिया है। पीसने के बाद ये बैटर थोड़ा सा पानी जैसा है क्योंकि जो सूजी है वो अच्छी तरीके से फूली नहीं है। फूलने के बाद ये काफ़ी थिक हो जाएगी। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। जार को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे ताकि जो पेस्ट है वो वेस्ट ना हो। तो लगभग 4 से 5 चम्मच पानी डाल दिया है मैंने। इसको डालकर हम ढक के थोड़ी देर साइड में रख देंगे, तब तक सूजी भी फूल जाएगी। चलिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे सैंडविच के लिए। तो इस सैंडविच को बनाने के लिए मैंने आलू का इस्तेमाल नहीं किया है, चॉप्ड वेजेस डाल के ही हम बनाएंगे इसे। इसमें तो थोड़ा सा प्याज डाला है मैंने बारीक काट करके, लगभग 1 प्याज था, 1 टमाटर, आधा टुकड़ा बीटरूट यानी चुकंदर का, छोटे छोटे बारीक पीसेस में काट लेना है हमें। अब इसमें डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है मैंने। अगर चीज़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ को हटा करके, या फिर अपने हिसाब से आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल वाली चीज़ ली है। थोड़ी सी मिर्ची डाली है मैंने, 2 बारीक कटी हुई, आधी चम्मच डाल देंगे इसमें एक कुटी हुई काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें ऑरेगानो या सीजनिंग जो पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं ना वो, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और अब ऐड करेंगे थोड़ी सी सॉसेस। तो मैंने यहाँ पर ली है पिज़्ज़ा सॉस, लगभग 1 से 2 बड़ा चम्मच आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मल केचप भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही आसानी से आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच मेयोनीज़। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये मेयोनीज़ मैंने घर में तैयार किया है, देख सकते हैं कितना मज़ेदार है। एकदम कटोरी को उल्टा करने के बाद भी ये गिरता नहीं है। तो इसी तरीके से मेयोनीज बनाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बस हमें इन दोनों ही चीज़ों का यूज़ करना है इसमें, जिससे कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करिए, कोई और मसाला हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही चटपटा सा हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। इसे बनाकर हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना होता है क्योंकि सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देंगी तो आपका स्टफिंग ख़राब हो सकता है। फटाफट से इसको बनाएं जब आपको इसे परोसना हो। लगभग 10 मिनट के लिए मैंने बैटर को छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी गजब की हो गई है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ नमक डालेंगे, कोई इनो सोडा हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से ये बनता है। आपको अगर सोडा डालना ही है थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, इनो डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिना सोडा किसे बनाऊँगी। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा बढ़िया है। इतना ही गाढ़ा होना चाहिए ये बैटर। अगर आपको लगे कि बैटर आपका पतला है तो थोड़ा सा पिसी हुई सूजी आप फिर से उसमें डाल सकते हैं। आप देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो इसी तरीके से हम इनको अच्छे तरीके से एक बार फेंट लेंगे। एकदम स्मूथ है, देखिए चावल और सूजी अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो चुके हैं। बैटर अगर गीला लगे तो आटा भी डाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सूजी ही डालें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जिससे कि आपकी रेसिपी एकदम क्रिस्प बनेगी। तो यहाँ पर बैटर हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है और साथ ही स्टफिंग भी रेडी हो गई है। चलिए देखते हैं कि हमारा सैंडविच कैसे बनेगा। उसको बनाने के लिए मैंने लिया है ये सैंडविच मेकर, ये देखें। और इसके दोनों सिरे पर हम इस तरीके से ऑयल या बटर ग्रीस कर लेंगे क्योंकि दोनों ही सिरे अच्छे तरीके से एकदम कुक होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये वाला सैंडविच मेकर नहीं है, आप आसानी से तवे पर भी बना सकते हैं, बस जो तवा है वो नॉनस्टिक हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए बैटर हमारा बढ़िया से रेडी है और हमने
तेल या घी भी अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब पतला सा बैटर हम इसके अंदर फैलाएंगे, तो ध्यान रहे पतला ही फैलाना है, और बैटर अगर थिक रहेगा तो एक ब्रेड जैसी लेयर इसके ऊपर आ जाएगी सैंडविच के ऊपर, इसलिए बैटर को गाढ़ा रखना है, पतला नहीं रखना है, या फिर आपको कुक करने में भी टाइम लगेगा। देखिए मैंने एकदम पतली सी लेयर फैला ली है, खासकर कॉर्नर्स पे अच्छी तरीके से इनको फैलाइएगा ताकि एकदम जो कॉर्नर्स हैं वो ब्रेड की तरह तिकोने हो। यहाँ पर इसको फैलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे चटपटा सा स्टफिंग, तो एकदम पतली सी लेयर स्टफिंग की भी डालेंगे, ये देखिए, और अच्छी तरीके से इसको फैलाते जाएं। आप इसमें चाहें तो स्लाइस वाली चीज़ भी डाल सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आप इसमें स्टफिंग भर सकते हैं, आलू की भी या फिर पनीर की भी, जो भी आपको स्टफिंग बनाना हो आप बना सकते हैं। लेकिन ये सब्जियों वाली स्टफिंग बहुत जल्दी बन भी जाती है और खाने में बहुत मज़ेदार लगती है, साथ ही हेल्दी भी होती है, आप बच्चों को अलग अलग सब्जियाँ खिला सकते हैं। बढ़िया से फैलाने के बाद हम वापस से बैटर को डालकर अच्छी तरीके से इसको कवर कर लेंगे, और बस अब इसको कुछ करना नहीं है, थोड़े से तिल हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे जिससे कि इसका लुक भी बढ़ जाएगा और टेस्टी भी लगेंगे। साथ ही तिल बहुत ही फायदेमंद होते हैं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं ना तो किसी भी अपने फूड में आप तिल को ज़रूर शामिल कीजिएगा, आपके बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने तिल डाल दिया है, अब इनको हम इस तरीके से कवर करेंगे, बंद करेंगे, और लगभग 5 मिनट तक हम बिना चेक किए इसको कुक करने देंगे। ये देखें बहुत ही आसानी से इसमें कुक हो जाता है, तो अगर आपके पास इस तरीके का सैंडविच मेकर है तो आप इसमें बना सकते हैं बहुत आसानी से। और ये देखें 5 मिनट के बाद चिपका भी नहीं है और बढ़िया से क्रिस्प भी हो गया है, ये देखें बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। अगर आपको इसको और गोल्डन करना है तो थोड़ी देर और आप इसमें थोड़ा सा बटर लगाकर कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही उतारने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी क्रिस्प हो गए हैं, और ज़्यादा पकाएंगे तो ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगे। चलिए इसको निकाल लेते हैं, और अब इसको निकाल कर रख लेंगे हम किसी भी ट्रे में या प्लेट में, और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। वापस से इसको बनाने के लिए, सैंडविच को बनाने के लिए थोड़ा सा बैटर से वापस ग्रीस करें, बैटर डालें पतली सी लेयर, स्टफिंग डालें और फिर से कवर करके थोड़ा सा तिल डाल दें और पकने दें इसको 5 से 7 मिनट के लिए। जैसे ही गोल्डन और क्रिस्प हो जाएगा इसको निकाल लें, है ना बहुत ही आसान। आप इसको झटपट सुबह सुबह बना सकते हैं, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, और बहुत ही आसान और टेस्टी सा नाश्ता आपके लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना आलू, बिना ब्रेड, बिना मैदा वगैरह डाले, है ना एकदम मज़ेदार सी रेसिपी। ज़रूर एक बार ट्राई करना, देखना खाने के बाद आप इसके गुणगान करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए बढ़िया से ये हमारा कुक हो चुका है, अब हम इनको किसी भी चाकू से इस तरीके से काट लेंगे जैसे कि सैंडविच होता है, और देख के ही कोई नहीं बता पाएगा, खा के भी कोई नहीं बताएगा कि आपने इसे सिंपल चावल और सूजी से बनाया है। एकदम क्रिस्प और बहुत ही मज़ेदार ये ग्रिल सैंडविच बनकर तैयार है। आप इसके ऊपर चाहें तो पनीर या चीज़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही शानदार लगते हैं, किसी भी चटनी या केचप के साथ आप इसे खाएं। कैसी लगी रेसिपी लिख के ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट में। दूसरी वाली ये सैंडविच जो मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, मैं वीक में कम से कम 2 से 3 बार बनाती हूँ, इसे हमें बनाना है आलू से। तो मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, आज हम ब्रेड का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए बहुत ही शानदार हमारी सैंडविच बन रही है। और इन 4 आलुओं को हम अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे ताकि एकदम एक सार हमारा पेस्ट तैयार हो। और इतने आलूओं से आप लगभग 6 से 7 लोगों के लिए सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं, सिर्फ 4 आलूओं से, है ना बहुत ही कमाल का, कम खर्चे में सबके लिए हो जाएगा ये नाश्ता। चलिए बहुत ही टेस्टी सा चटपटा सा मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ मटर के दाने, 1/2 कप मिक्सी के जार में डालेंगे। मटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको हटा सकते हैं, बिना मटर के भी बना सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्चें डाल देंगे, तो तीखा अपने हिसाब से जितना आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने एक ही डाला है ताकि ज़्यादा तीखा ना हो। साथ ही डाल देंगे इसमें थोड़े से लहराते हुए धनिया के पत्ते, तो मैं डंठल के साथ डाल रही हूँ, अच्छे से धो लिया है। धनिया के पत्तों से क्या होता है, बढ़िया कलर आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर मटर नहीं डाला है आपने तो सिर्फ इन 4 चीज़ों को डाल करके अच्छे तरीके से पीस लें बिना पानी डाले। तो हमें थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, बारीक नहीं करना है, और इनको पीसते समय मैंने थोड़ा भी पानी का यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं इसका जो पेस्ट है ना वो हल्का सा कोर्स है, ये देखें। तो बस ऐसा ही हमें थिक पेस्ट इसका तैयार करना है। आप अगर ये स्टफिंग डालना नहीं चाहते हैं तो इस जो आलू का मसाला है ना इसको भून भी सकते हैं प्याज टमाटर के साथ में, तो भी काम हो जाएगा। हमने इसका जो पेस्ट है उसको बहुत ही खास और बहुत अलग सा टेस्ट देने के लिए ये पेस्ट इसमें ऐड किया है। तो सारा का सारा हम इस कद्दूकस किए हुए आलू के साथ ऐड करेंगे, साथ ही थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें पाव भाजी मसाला। ये मेरा घर पर तैयार किया हुआ पाव भाजी मसाला है, आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1/2 छोटी चम्मच डाल दिया मैंने चाट मसाला पाउडर, और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है।
और अब सबसे ज़रूरी चीज़ नमक सबसे लास्ट में डालेंगे और स्वाद के हिसाब से मैंने ऐड किया है, तो मैंने काला नमक डाला है, आप नॉर्मल भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो ग्रीन वाला पेस्ट है और सारे मसाले हैं वो आलू के साथ एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, एक सार हो जाए। ये बहुत ही चटपटा सा ये आलू का मसाला तैयार होता है। तो मसाले को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो प्याज टमाटर डाल करके आसानी से कढ़ाई में डाल के भून सकते हैं, मतलब जैसे आप आलू का मसाला चाहें बना सकते हैं। चलिए अब आती है जो ब्रेड वाला जो बेस होता है ना वो बनाने की, तो हम बिना ब्रेड के बनाएंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बारीक वाली सूजी, जिसको बहुत लोग रवा कहते हैं, आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइए। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसको थोड़ा सा मिक्सी में डाल के पीस लीजिए। नमक डालें इसमें, बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने। और अब आधा कप दही ऐड कर लें, तो मैंने टोटल एक कप सूजी लिया है उसमें मैंने आधा कप दही ऐड किया है। और अब इसी कप से नापकर हमें पानी डालना है, तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और अभी हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए मैंने सूजी को अच्छे से मिला लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सैंडविच में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आए तो आप इस यहाँ पर पोहा का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी जो चिवड़ा होता है ना उसको भी भिगा करके इसमें पीस कर यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़िया से मिल गया है तो ढक देते हैं और 5 मिनट साइड में रख देंगे, तब तक सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो देखिए 5 मिनट में सूजी काफ़ी अच्छी तरीके से गाढ़ी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे लगभग 1/4 कप के आसपास, और इसकी जो थिकनेस है उसको सही करेंगे, क्योंकि हमें एकदम बहुत पतला भी बैटर नहीं चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए। ये जो सैंडविच है बनाने के लिए आपको इस तरीके का मोल्ड चाहिए, या फिर आप कोई भी थाली ले सकते हैं, केक टिन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके की स्टीमर वाली प्लेट ली है क्योंकि हमें इसको स्टीम करके बनाना है। आप नॉर्मल कोई भी थाली, चौकोर हो, गोल हो, तिकोनी हो, आप यूज़ कर सकते हैं। बस क्या करना है, थोड़ा सा तेल डाल करके इसके किनारे अच्छी तरीके से चिकना कर लें ताकि सैंडविच को निकालने में आसानी रहे। और अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा इनो ऐड कर लेंगे, आधी छोटी चम्मच। अच्छी तरीके से सूजी वाले बैटर को मिलाइए ताकि एकदम फ्लफी सा हो जाए। इनो डालने से ना काफ़ी अच्छे से फूलता है और स्पॉन्जी भी बनती है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से आधा बैटर हम डाल देंगे पहले, और बिल्कुल पतली सी लेयर हमें इस थाली में फैलानी है। जितनी पतली बैटर होगी उतना ही बेस्ट सैंडविच आपका बनेगा, इसलिए पतला बैटर फैलाना है, ये देखें। और चलिए इसको थोड़ा सा टैप कर लिया और फटाफट से हम इसको स्टीम कर लेंगे। तो मैंने पहले से ही कढ़ाई में पानी गर्म होने रख दिया था 1 कप के आसपास। पानी हल्का हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हो गया है, तब हम ये प्लेट इसमें अच्छी तरीके से रख देंगे। आप नॉर्मल थाली ले रहे हैं तो पानी में एक कटोरी डाल दें ताकि पानी जो है वो प्लेट को टच ना करे। और अब इसको 2-3 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट जाली आई हुई है, और ये जो मिक्सचर है हमारा अच्छी तरीके से फूल कर स्पॉन्जी हो गया है, ये देखें। चलिए इसको निकाल लेते हैं, ठंडा नहीं करना है, फटाफट निकालना है। और अब जो तैयार किया हुआ आलू का मसाला था ना वो हम इसमें अच्छी तरीके से भरेंगे। तो थोड़ी मोटी लेयर आलू की रखनी है। मैं यहाँ पर ये सारा का सारा आलू का मसाला डाल रही हूँ, आपको अगर कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। इसमें पनीर डाला जा सकता है, अपने हिसाब से वेजिटेबल्स बारीक काट के डाले जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास एक कॉमेंट आया था कि कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो कम खर्चे में तैयार हो जाए, तो उनके लिए मैंने ये रेसिपी बनाया है जो सबके लिए बहुत यूज़फुल है। आलू का मसाला अच्छे से फैलाने के बाद बचा हुआ जो सूजी का बैटर था वो मैंने इसके ऊपर अच्छे से फैला दिया है, और ध्यान रहे एकदम पतला फैलाना है क्योंकि ये सूजी का बैटर बहुत ज़्यादा फूलता है। तो मैंने इसको कवर कर लिया है, देखिए कितना पतला है, नीचे आलू की बेस भी दिख रही है। तो अब इसे भी हम लगभग 2-3 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे, ढक देते हैं और उसके बाद हम इनको चेक करेंगे। लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये भी जो ऊपर वाली लेयर है ना वो अच्छी तरीके से फूल गई है और बढ़िया से कुक हो गई है। आप इनको हाथों से टच करें तो चिपक नहीं रहे, मतलब बढ़िया से कुक हो गए, फटाफट से पक जाते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको ढककर थोड़ा ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर इस रेसिपी को सर्व करने के लिए मैं बना रही हूँ अमरूद की रोस्टेड वाली चटनी, बहुत ही गजब की लगती है इसकी रेसिपी। कल आएगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास जब मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए हमारा जो सैंडविच है वो अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, तो अब इसको चाकू से किसी भी शेप में काट सकते हैं, चौकोर तिकोना। मैंने चाकू से इस तरीके से कट लगा दिया है और अब इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमने पहले से तेल में इसको ग्रीस कर लिया था प्लेट को, ये देखिए। तो ये सैंडविच इस तरीके से भी खाई जा सकती है, लेकिन आज हम इनको एकदम गजब का टेस्ट देंगे ताकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे सूजी और आलू से बनाया है। बच्चे भी कहेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है, क्योंकि बिना ब्रेड सैंडविच खाना सब चाहते हैं, लेकिन ब्रेड जो होता है वो बहुत ही अनहेल्दी होता है। चलिए इसको टेस्टी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक तवा ले लेंगे और तवे पर डालेंगे थोड़ा सा तेल,
लगभग एक छोटी चम्मच के आसपास तेल को अच्छी तरीके से फैला लेना है। थोड़ा सा सफेद तेल या राई के दाने डालें। आधी छोटी चम्मच जितना पाव भाजी मसाला फिर से ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट बाहर से भी बहुत अमेजिंग हो जाए। और बस एक एक करके सारे सैंडविचेस को इसके ऊपर रखें और बढ़िया से इनको एक साइड गोल्डन होने के बाद टर्न करेंगे। देखिए कितना शानदार सा सुनहरा कलर आ रहा है। अच्छी तरीके से इनको क्रिस्प कर लें। ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना कि आप आलू की सैंडविच या फिर ब्रेड वाली सैंडविच भी भूल जाएंगे। ये बहुत ही गजब की लगती है। तो बस दोनों साइड इनको अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प कर लें और फटाफट से निकालें, टिफ़िन में बच्चों को दें, शाम को नाश्ते में बनाएं, किटी पार्टी में बनाएं। जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप फटाफट से रेसिपी बना सकते हैं और सबको बहुत पसंद आती है। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और कौन कौन से लोग अमरूद वाली चटनी देखना चाहते हैं हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। इससे पहले भी मैंने ढेर सारे टिफ़िन की रेसिपीज़ बिना ब्रेड की कई तरह की नई नई सैंडविचेस भी बनाए हैं जो बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होती है और खाने में एकदम स्वादिष्ट। तो कैसी लगी रेसिपी लिख के बताइए, अपने ढेर सारे फ्रेंड्स बच्चों की माओं को शेयर कीजिए ताकि उन्हें बनाने में सुबह सुबह ज़्यादा झंझट ना हो, ईजिली बना लें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा क्रिस्प और डिलीशियस लग रहे हैं। तो जल्दी से बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।